बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। बच्चों, अभी मैं कुछ दिन पहले एक इवेंट पढ़ रहा था साइंस का, तो उसमें लिखा हुआ था कि हम बड़े लोगों की तुलना में आप छोटे बच्चों को लर्न करने की पावर ज्यादा होती है, क्योंकि आपके अंदर सीखने की और समझने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो क्या आप लोग इस कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, या हम जैसे लोगों की तरह बड़े होते जा रहे हैं? यदि आप नहीं बढ़ा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं आपको ये लाया हूँ कि बच्चों, यदि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे मुझे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो यदि आपको लिखने की प्रॉब्लम है, यदि आपकी राइटिंग नहीं बनती है, यदि आप मात्राएं गलत लिख देते हो, तो आप इसको दूर करने के लिए बस 1 घंटे प्रतिदिन राइटिंग लिखना शुरू करिए। हो सकता है पहले दिन आप 1 पेज न लिख पाए, 2-4 लाइन लिखें, काफी धीरे धीरे लिखिए और सुधार करके लिखिए प्रतिदिन 1 घंटे, तो आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में आपका राइटिंग एकदम बेहतरीन हो गया, आपको एकदम बेहतरीन आ गया, आपसे अच्छा कोई लिखता नहीं आपके घर में। उसी तरह से यदि आपको लगता है कि आपको लर्न करने की प्रॉब्लम है, आप लर्न नहीं कर पाते हैं कोई चीज, आपको याद ही नहीं हो पाए, तो उसके लिए प्रतिदिन आप 1 घंटे लर्न करने के लिए बैठिए। 1 घंटे मेरे कहे पे 1 घंटे बैठिए। हो सकता है पहले दिन आपको कुछ नहीं याद हो, दूसरे दिन भी आपको कुछ नहीं याद हो, तीसरे दिन जरूर याद हो जाएगा। फिर आप 1 हफ्ते के अभ्यास से आपको पता चलेगा कि जो चीजें आप 3 दिन में याद किए वो आप एक ही दिन में 1 घंटे में याद कर लेंगे। फिर अगले हफ्ते और मेहनत करेंगे आप उसी तरह से 1 घंटे बैठ के सेम टाइम पे, तो आपको लगेगा कि जो आप 3 दिन में पढ़ रहे थे या 1 घंटे में याद कर रहे थे वो आप 10 मिनट में याद कर ले रहे हो। इसी तरह से भी आप अभ्यास बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप केवल देखोगे, समझोगे और आपको याद हो जाएगा। उसी तरह से बच्चों, यदि आपको रीडिंग करने की प्रॉब्लम है, तो रीडिंग यदि नहीं आती तो मात्राओं को सबके बेसिक चीजें पता है आपको, कि अगर हिंदी रीडिंग नहीं आती तो आपको हिंदी वर्णमाला आनी चाहिए, और इंग्लिश रीडिंग नहीं आती तो वावेल कॉन्सोनेंट अल्फाबेट सब याद होने चाहिए और उसका यूज याद थोड़ा बहुत आना चाहिए, तो फिर आप गलत से कैसे भी करके रीडिंग करना शुरू कर दोगे। तो इस तरह से फिर आप 1 घंटे डेली रीडिंग करना स्टार्ट करिए, आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में आपकी रीडिंग भी अच्छी हो गई है। सब कुछ आप अच्छा कर सकते हैं, ये आपके हाथों में है। तो इस समय का सदुपयोग करिए, कोई मुश्किल आता है तो मैं आपके लिए हूँ। जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप के जरिए, किसी भी के जरिए आप मुझे बताइए, मैं उसको वीडियो बनाऊंगा, समझाऊंगा आपको, आपकी पूरी हेल्प करूंगा। इसी उम्मीद के साथ बच्चों, आज चलिए मैं आपके लिए कुछ नई आपके सब्जेक्ट से कुछ जानकारी वाले लेसन को लेकर आया हूँ, चलिए उसे फटाक दे रीड करते हैं। हम लोग ओ की मात्रा को पढ़ेंगे। देखिए, इसे ओ की मात्रा कहते हैं, एक खड़ी पाई और एक चुंडी। तो किसी भी वर्ण के साथ यदि ओ की मात्रा लगा होगा, एक खड़ी पाई और उसके ऊपर एक चुंडी लगी होगी, तो उसको हम ओ जोड़ के बोलेंगे। जैसे स और ओ, सो, बिल्कुल सही, त और तो, शाबाश। चलिए अब आगे हम लोग रीड करते हैं। ये बताइए कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा, टे टे। सोर म चा ता, तो ता। अ सर सो र, का कु छ ना हो ता। धो बी मै ले, क प रे धो ता। ग धा बे चा रा, उ न को ढो ता। रो ह न को ट, प ह नो घोड़ा भा का। मो र ना चा, मो ह न मोहन ने तो ता, तोता पा ला है। मो ह न की, ब ह न। अब इसे आप लोग पढ़िए, क्या लिखा है? बिल्कुल सही, म पर ओ की मात्रा, मो ना, मो ना। ने को य ल, कोयल पा ली है। तो ता राम राम, बो ल ता है। को य ल मी था, गा ना गाती है। तो ता रो टी खा ता है। को य ल दा ना खाती है।
शाबाश बच्चों, इसे आप लोग रीड कीजिएगा और ओ की मात्रा को याद कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे औ की मात्रा। औ की मात्रा में एक खड़ीपाई और दो चुंडी ऊपर लगे होते हैं। तो बिल्कुल बच्चों, उसी तरह से किसी भी वर्ण पे यदि औ की मात्रा लगी है तो हम औ को जोड़ के बोलेंगे। जैसे द, और इस पे औ लगा देंगे तो दौ, चौ चौ, घोड़े की दौड़, दौड़ा, घोड़ा, सरपट, सरपट, दौड़ा, गौरव ने दिखलाया, दिखलाया, कूड़ा, चौराहे पर भीड़ देख कर गौरी के पीछे भागा घोड़ा, काला कौआ बोला पौधा लगा हो तौलिया नरम है, गौरी की मौसी ने पकौड़ी बना कर चौकी पर रखी, मौका पा कर कौआ पकौड़ी खा, गया गौरी का भाई दौड़ा, दौड़ा उसने कौए, कौवे को डराया, डराया, कौआ कौवा भाग, भाग, गया, गया। शाबाश बच्चों, इसे आप लोग याद कर लीजिए और जब तक याद करेंगे तब तक मैं आता हूँ आप लिए एक नई सी वीडियो को लेके। बाय बाय।